हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को नंबर ऑफ सॉल्यूशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं कि अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में ये कहा जा रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन है तब क्या करते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से इसको याद कर लीजिए कि यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन में क्या होता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन हमेशा दिखाई देता रहता है। तो इसको बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह इसको समझ करके इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। तो मैं इसके बाद जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का भी क्वेश्चन करा दूंगा और उसके बाद नो सॉल्यूशन का भी करा दूंगा। इन तीनों में से कोई ना कोई एक आता रहता है। अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आप लोगों को जो है जीरो सॉल्यूशन और नॉन जीरो सॉल्यूशन कह दिया जाता है, तो उसका भी क्वेश्चन मैं तुम लोगों को करा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये है और ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इक्वल के राइट में यहाँ पर 0 0 0 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए 0 0 1 भी लिखा होता तो भी वो ये पूरा सिस्टम जिसमें तीन इक्वेशंस हैं ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहलाता, ठीक है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल के राइट में जितने भी इक्वेशंस हैं सब में 0 0 0 होना चाहिए, तब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है और इसमें ये कहा जा रहा है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको लैम्डा और अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आप लोग क्या करना पड़ता है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो इक्वल के लेफ्ट साइड में जो एक्स वाई जेड दिख रहा है इसका जो कोफिशियंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट है उसको नॉट इक्वल टू जीरो करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, लैम्डा 2 1 1 1 3 और 3 1 1, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो लेफ्ट साइड में इक्वेशंस में आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, तीनों इक्वेशंस आपस में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तीनों इक्वेशंस में आपस में कोई संबंध ना हो, उसके लिए आप उनके जो कोफिशियंट्स हैं एक्स वाई जेड के जो कोफिशियंट्स हैं उनसे बनने वाला जो डिटर्मिनेंट है उसे आप नॉट इक्वल टू जीरो कर देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू या 2x + y = मान लीजिए 5 दिया हुआ है और 4x + 2y = मान लीजिए 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप इसमें देखो ध्यान से कि पहले वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये दूसरी वाली इक्वेशन मिल रही है। तो मतलब ये पूरे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसमें एक इक्वेशन को दूसरे वाली इक्वेशन से पाया जा सकता है, इसमें इंडिपेंडेंट इक्वेशन की संख्या सिर्फ एक है, ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं कही जाएंगे, ठीक है। इसमें से कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो अगर मैं इक्वल के लेफ्ट साइड में एक्स वाई के कोफिशियंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालूंगा तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। अगर इन दोनों में इसमें और इसमें कोई संबंध है तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, आपको आंसर एक्स और वाई की वैल्यू यूनिक में नहीं मिलेगी। तो जब ऐसा होता है, जब यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला होता है, कोई संबंध आपस में आ चुका होता है, तो उस समय आप लोग डिटर्मिनेंट को जीरो कर देते हो और वो या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की तरफ पहुंच जाता है या तो नो सॉल्यूशन की तरफ चला जाता है, ठीक है। जब मैं इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन वाला जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें मैं इसको पूरे अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी यहां पर यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। यूनिक सॉल्यूशन में आपसे सिंपली जो है लेफ्ट साइड में कोई संबंध ना हो उसके लिए आप डिटर्मिनेंट को नॉट इक्वल टू जीरो कर दोगे, बस, ठीक है। समझ में आ रही बात? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने जो अभी क्वेश्चन लिया था 2x + y = मान लीजिए 3 और मान लीजिए 5x + 9y कर देता हूं, ठीक है। इधर मैं अभी कुछ नहीं लिख रहा हूं, इन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है। अब इन दोनों को जब तुम सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू पा जाओगे। तो यहां पे अगर अल्फा लिखा हुआ है और आपको पता है कि लेफ्ट साइड का जो डिटर्मिनेंट है 2 1 5 9 ये जो है नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है। तुम अल्फा की वैल्यू कुछ भी ले लो, अल्फा की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले लो, इसका आंसर जरूर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वल के लेफ्ट साइड में कोई संबंध नहीं रह गया। जब इक्वल के लेफ्ट साइड में कोई संबंध ना रह जाए
ठीक है, एक किसी भी एक इक्वेशन में एक्स वाई जेड वाले जो एक्सप्रेशन है वो किसी दूसरे इक्वेशन से ना मिले तो इक्वल के राइट में कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी उठा के रख दो यूनिक सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये लगाया कि इक्वल के लेफ्ट साइड में जितने भी कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं एक्स वाई जेड के, उनसे जो बनने वाला डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और अल्फा की वैल्यू तुम कुछ भी ले लो अगर इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है, कोई भी इक्वेशन बाकी दोनों इक्वेशन से किसी तरह से भी संबंधित नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो कर दिया है डिटरमिनेंट, तो राइट में अल्फा की वैल्यू कुछ भी ले लो उठा करके आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, लैम्डा इंटू वन माइनस थ्री माइनस टू इंटू कितना जाएगा वन माइनस नाइन, और प्लस वन इंटू वन माइनस थ्री नॉट इक्वल टू जीरो कर दोगे, और यहां से आ जाएगा माइनस टू लैम्डा, और यहां से आ जाएगा माइनस सिक्सटीन की प्लस सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन। ठीक है, यहाँ पे माइनस एट और ये माइनस सिक्सटीन, और उस साइड में कितना जाएगा माइनस टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो, समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है, अच्छा यहां से आ गया माइनस टू लेमडा इज नॉट इक्वल टू माइनस फोर्टीन, क्लियर, और या लेमडा इज नॉट इक्वल टू सेवन, तो अल्फा की लेमडा की वैल्यू सेवन के बराबर ना हो तो इन तीनों इक्वेशंस में आपस में कोई संबंध डेवलप किया ही नहीं जा सकता, तो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू सेवन ये पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है, और जाहिर सी बात है अल्फा की वैल्यू चाहे जो भी लिया सकता है, तो यहां पे यही पहला वाला आंसर सही है। जब कभी आपसे यूनिक सॉल्यूशन कहा जाए तो इक्वल के लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे बनने वाला जो डिटरमिनेंट होता है उसको नॉट इक्वल टू जीरो कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक यूनिक सॉल्यूशन के लिए आप लोगों को अननोन की वैल्यू मिल जाएगी। याद रहेगा बच्चों, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या क्या करना है, इक्वल के लेफ्ट साइड में एक्स वाई जेड कोफिशिएंट से बनने वाला डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो कर देना है, और इक्वल के राइट में कोई भी अननोन हो बिलोंग टू रियल नंबर कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।